एक महीने हो गए वीडियो के बिना बनाए हुए, सॉरी फॉर दिस, ऐसा कोई काम नहीं चलने वाला है, सो स्टे ट्यून, माई नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग अप। What's happening? Thank you so much for tuning into What's Happening Express, where we upload videos on a regular basis regarding what's happening in the world. I know I have been late. मैंने recently कोई video नहीं डाला, but there were some issues because of that. I was not able to make videos. But I make sure that this won't happen next time. First of all, I'm very late in wishing all of you. I wish everyone happy New Year. I wish everyone gets lots of positivity and lots of good things in this year. सो साल 2021 आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वैक्सीनेशंस आ गए हैं, वैक्सीनेशन लगने भी शुरू हो गए, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, इंडिया इज़ इन वेरी गुड स्टेट, दुनिया में धीरे धीरे सब चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, और इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी इंडियाज़ डिप्लोमेसी इज़ वेरी मच कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज, इंडिया इज़ डिलीवरिंग लॉट्स ऑफ वैक्सीनेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज एज ऑफ नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज़ गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रेजेज फॉर दिस। सो आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ग्लोबल सिनेरियो भी चल रहा है, ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है अभी मार्केट में। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हो क्या रहा है। हमारे पड़ोस में ही एक देश है, इसका नाम है म्यांमार, जिसको पहले हम लोग बर्मा बोलते थे, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी टेंस हो चुका है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ चल रही हैं, वहाँ पूरी तरीके से हिंदी में एक वर्ड है तख्ता पलट, वो वहाँ पर हो चुका है, और उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है दुनिया में। दुनिया के सारे लीडर्स बहुत सीरियसली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। डेमोक्रेसी होना चाहिए लेकिन डेमोक्रेसी को कोई फॉलो नहीं कर रहा, और म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ पूरी बात वहाँ पर हुई क्या है। बेसिकली म्यांमार या फिर बर्मा बोलो आप, जो हमारे बगल का ही एक देश है, और इंडिया का रिलेशन काफ़ी पुराना है इस कंट्री से। जब भी म्यांमार का जिक्र होगा तो हम लोग आन सान सुकी का नाम लेना भूलेंगे नहीं, क्योंकि आन सान सुकी एक ऐसी औरत हैं जिनको 1991 में नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए। ये वही औरत हैं जिनको 15 सालों के लिए हाउस अरेस्ट किया गया था, और इनकी पार्टी NLD 2020 में इलेक्शन हुए और NLD पूरी तरीके से बाय स्वीपिंग पूरी तरीके से इलेक्शन जीत गई। कोई भी इसमें ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शंस कहीं और जा रहे हैं, पूरी तरीके से भारी बहुमत से उनकी पार्टी जीती, और यही चीज़ था इस कंसर्न, यही चीज़ था ये सब चीज़ों का जड़। आर्मी वहाँ पे, पहले बता दूँ कि कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ आर्मी अपने आप को सुपीरियर समझती है, वो सोचती है कि वो हर चीज़ से ऊपर है, हर चीज़ से मतलब हर चीज़ से। अब यहाँ पर क्या हुआ, म्यांमार में तो NLD जीत गई, और NLD की जीतने पर ये कंसर्न रेज हुआ कि वहाँ पे इलेक्शंस को गलत तरीके से कंडक्ट कराया गया, बार बार डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स किए गए, डुप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स किए गए, जिसकी वजह से NLD को इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला इलेक्शंस में। आन सान सू की करंटली स्टेट काउंसलर हैं, स्टेट काउंसलर एक ऐसा पोजिशन होता है, म्यांमार में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, मतलब आन सान सू की इज़ ऑन द टॉप मोस्ट लेवल। तो आन सान सू की जो पार्टी है वो जीत गई, और इससे आर्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने इस पर कंसर्न रेज़ किया। 1 फरवरी तक का टाइम दिया गया था, 1 फरवरी तक के टाइम में ये कहा गया था कि जल्दी से आप अपने वैलिडेशन दीजिए कि सही है कि नहीं, लेकिन 1 फरवरी होने के पहले ही वहाँ पर मिलिट्री का पावर बढ़ने लगा, और अचानक से ये हुआ कि मिलिट्री ने सबको डिटेन कर दिया, आन सान सू की को होम अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, प्रेसिडेंट को हटा दिया, और अभी के अभी मिलिट्री पूरे वर्ल्ड, पूरे म्यांमार में अभी पावर में है, मतलब पूरी तरीके से जो मैंने वर्ड बोला था तख्ता पलट हो चुका है म्यांमार में। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एक कंसर्न है जो कि बहुत सबसे कॉमन कंसर्न है, कॉमन इशू है, कि वहाँ पे हंगर फॉर पावर मिलिट्री को हमेशा रहा है। मिलिट्री हमेशा ऐसा पहले भी की है कि वहाँ पे जब भी कुछ अच्छा होने लगता है वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और अपना नाक घुसा देती है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे दुनिया को बहुत ज़्यादा चिंता हो चुका है कि म्यांमार के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस पहले से लगे हुए हैं, US ने और भी सैंक्शंस इम्पोज करने का थ्रेट दे चुका है। देखा जाए तो म्यांमार बहुत, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शंस हैं, और मिलिट्री के जो चीफ हैं जिनका नाम है जनरल मिन आंग, वो अभी पूरी तरीके से सत्ते पे काबिज़ हैं, और वो पूरे इस कंट्री को लीड कर रहे हैं अभी, और इस कूप, जिसको कूप बोलते हैं, मतलब सिंपल मतलब सत्ता पलटना, वो पूरी तरीके से उसको लीड करके चल रहे हैं। अब जनरल मिन आंग के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ, जनरल मिन आंग का बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन है चाइना से,
बहुत सारी कंट्रीज़ को इस चीज़ से कू से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना इसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है। चाइना का डिप्लोमेसी आपको पता ही है किस तरीके का होता है, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं जिसकी वजह से दुनिया में स्टेबिलिटी हमेशा रहता है। अब बताता हूँ मैं, जनरल मिन आंग का नाम इन्वॉल्व हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे कुछ साल पहले। आपको पता होगा रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए गए थे, मतलब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन था पूरी तरीके से, तो उनमें इनका नाम था। चाइना इस चीज़ को भी सपोर्ट किया था उस टाइम पर। तो जनरल मिन आंग पूरी तरीके से अभी काबिज हो सकता के ऊपर, अब कब तक ये ऐसे मिलिट्री ने बोला है कि एक साल तक ये इमरजेंसी स्टेट रहेगा वहाँ पे, लेकिन कब तक आगे बढ़ेगा या फिर कम होगा इसके बारे में हम लोग कुछ अभी बता नहीं सकते। तो सिचुएशन एज ऑफ नाउ इज़ वेरी मच टेंस्ड। इंडिया बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इसको ले रहा है। बोरिस जॉनसन, जो बाइडन ने तो थ्रेट्स के भी, सैंक्शंस के भी मतलब थ्रेट्स दे दिए हैं वहाँ पे। इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया बहुत सही तरीके से धीरे धीरे चल रहा है, और वी कैन ओनली एक्सपेक्ट दैट ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। करप्शन के मामले में मैंने पहले बताया कि म्यांमार बहुत आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी वो इंडिया से भी नीचे है। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से सिचुएशन इज़ वेरी मच टेंस्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि म्यांमार में क्या हो रहा है। जैसे जैसे कुछ कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी मैं आपको नोटिफाई करता जाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम व्हाट्स हैपनिंग एक्सप्रेस है, जहाँ पर मैं दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बातें करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें बहुत मदद मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थ्रू माय चैनल। चीयर्स।